रुख करेंगे मुल्तान का, जहां कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। शहरियों की जानिब से ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। घंटा घर चौक के जूतों की दुकानों पर रश देखने में आ रहा है। शहरी कहते हैं महंगाई है मगर ईद के लिए ख़रीदारी तो करनी ही है। शहरी मजीद क्या कहते हैं जानते हैं उन्हीं की ज़बानी जुनेद मलिक की रिपोर्ट में। ईद उल फित्र में चंद घंटे बाकी मगर शहरियों की ख़रीदारी अब भी जारी है। जूते खरीदने वाले शहरी क्या कहते हैं आइए ये उनसे ही जानते हैं। जूते वगैरह लेने आए हैं, महंगाई बहुत है आपके सामने जो है ना, रेट इतने हुए पड़े हैं कि बस गरीब आदमी कुछ ले ही नहीं सकता, बस कुछ रह गए हैं अभी बच्चों की खरीदारी। कपड़े हमने बनवा लिए हैं, जूते लेने के लिए आए थे, जूते हर रेट में यहाँ दस्तयाब हैं। वालों के पास 2000 से लेके 400 तक इनके पास दस्तयाब हैं, बस वही देख रहे हैं, अभी दोस्त को पसंद नहीं आ रहे, हमने तो ले लिए हैं। तकरीबन मुकम्मल शॉपिंग पूरी है, ये आखिरी शॉपिंग है शूज की, ये कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, सारा कुछ हो जाएगा। बच्चों की शॉपिंग हमने कर ली है, बाकी अपनी रह गई इंशाल्लाह, वो भी करने के लिए आए हैं, इंशाल्लाह करते चले जाएंगे। बस वक्त कम और मुकाबला सख्त, शहरी कहते हैं कि महंगाई जरूर है मगर ईद की खरीदारी करना भी जरूरी है। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ जुनेद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक।